देखो परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि का पहला सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। कहने का मतलब है कि पदांत अनुस्वार के बाद यय वर्ण, यय वर्ण का होता है एक दो तीन चार पाँच, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, य ब र और ल आई, तो इस अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है। परसवर्ण का मतलब होता है परसवर्ण बाद वाले वर्ण का ही वर्ण होगा, यानी बाद वाले वर्ण का ही वर्ण होगा। कहने का मतलब यहाँ अनुस्वार का परसवर्ण बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण होगा। परसवर्ण का मतलब यह होता है कि पंचम वर्ण होगा। जैसे अंग प्लस कह, अंग प्लस कह, कह ये बाद वाला वर्ण है, बाद वाला वर्ण है तो इसी का पंचम वर्ण होता है अंग, अंग ये रहा ना, तो अंग कह बन गया। इसके बाद आता है अंग प्लस चित, तो अंग प्लस चित, च का बाद वाला ये अं होता है तो अंचित बन गया। सांग प्लस त, तो त का पंचवर्ण न होता है तो शांत बन गया। ऐसे ही इनका बना लेंगे हम गंगा और गुम्फित, गंगा और गुम्फित का बना लेंगे। इसके बाद इधर आते हैं, इधर इसका पहला सूत्र ये था, दूसरा सूत्र ये है वाह पदांत से, वाह वाह का मतलब होता है हम माने तो होगा, नहीं माने तो नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो इसके बाद यह है जैसे त्वम प्लस करोसी है, त्वम प्लस करोसी, तो इसको त्वम प्लस कर, त्वम करोसी हो जाएगा, त्वम प्लस करोसी का त्वम करोसी, यानी परसवर्ण, परसवर्ण संधि है ये। और ये इसको माने तो करेंगे, नहीं माने तो नहीं करेंगे, तो ये बिंदी लगा देंगे, ये अनुस्वार संधि हो जाएगी। इसलिए मैंने अनुस्वार संधि पहले पढ़ाई थी इसका। ये तृणम प्लस चरति, तो तृणम प्लस चर च का आ होता है तो तृणम चरति हो जाएगा, तृणम चरति बताया था अभी, तृणम चरति ये माना जाएगा। ये तो हो गई आपकी परसवर्ण और ये हो जाएगी अनुस्वार, क्योंकि अनुस्वार बन गया। ऐसे ऐसे इसको मिला करके बनाते हैं इसको। थैंक यू।